What's up YouTube? Welcome back to my channel Bikes, Food and Fun. So, आज का हमारा टॉपिक है इस TikTok बैन justified. वैसे जब ये न्यूज निकली TikTok has been banned by Indian government, काफी सारे TikTokers की हालत कुछ ऐसे हो गई थी. अरे मुझे चक्कर आने लग गया. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. वेल अगर आप मुझे पूछोगे क्या ये टिकटॉक का बैन जस्टिफाइड है तो यस 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 यस. बट हु द हेल एम आई टू गिव द वर्डिक्ट. बट गवर्नमेंट ने कह दिया ना बैन है तो बैन है. वेल जैसे मुझे यू न्यूज पता चली कि टिकटॉक बैन हो चुका है, आई वॉज लाइक इतनी खुशी मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई. वेल इंडियन गवर्नमेंट ने इन 59 applications को बैन करने का ये रीजन दिया कि द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट दे वे प्रिजुडियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर. आप समझ सकते हो इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट. इनफैक्ट ये एप्लीकेशन पॉसिबली इंडिया के इंटीग्रिटी डिफेंस को थ्रेट थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इन applications को निकाल दिया. वेल ऐसे ही कुछ यूएस ने किया था जब उन्होंने टिकटॉक को बैन किया था, तब यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुई थी. डेफिनेटली देखिए इस वीडियो को, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा टिकटॉक को यूएस ने क्यों बैन किया था और उसका एग्जैक्ट क्या रीजन थे. टिकटॉक वाज द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ 2019, मोर देन एनी अदर ऐप इन द कंट्री. मोर टीनएजर्स आर ऑन टिकटॉक नाउ देन यूज फेसबुक. It counts millions and millions and millions of Americans as users. But it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. So, जैसे कि आपने देखा, TikTok हमारा काफी सारा data China के साथ share करता है. उन्हें वो data Chinese government के साथ share करना पड़ता है. और काफी सारे communist China के इस video को देखते हैं और monitor करते हैं. Well, ये एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से हमारे लिए थ्रेट है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो टिकटॉक मोहल्ले की वो चाची है जो आप पे नजर रखती है और आप क्या क्या करते हो वो सारी खबर चाइना को देती है. सो अगर हम ये सब रीजंस देखते हैं, टिकटॉक का बैन होना 100% जस्टिफाइड है. हमारे इंडियन सोल्जर ने एक वीडियो शेयर किया था, जरूर देखिए इस वीडियो को. हे फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहां तक पहुंचना है. क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड खत्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है. और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं. तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं. आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार. मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं. इतने इतनी इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं. आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी. So, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टेप्स लिए हैं और हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन स्टेप्स को रिस्पेक्ट करना होगा और इन्हें
फॉलो करना होगा. सो टिकटॉक एंड अदर चाइनीज एप्लीकेशंस फाइनली यू कैन रेस्ट इन पीस. बस एक ही बात का दुख है, आज के बाद ये मुजरा करने वाले जाएंगे कहां? वेल एक्चुअली कहीं नहीं जाने वाले, ये आने वाले हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे. देखिए सारे टिकटॉकर्स किस तरह कह रहे हैं कि भाई हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. देखिए देखिए पिछले 1.5 साल में मैंने बहुत सारी तमाम वीडियोस बनाई, इसी जगह पे रहकर बनाई, आपको एंटरटेन करने की कोशिश की. अभी अभी खबर मिली है कि 59 एप्लीकेशंस बैन हो गई हैं, साथ में टिकटॉक भी बैन हो गई है. मुझे इस चीज का बहुत दुख है क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी. आप लोग सच में मुझे अगर दिल से प्यार करते हो और मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. मैं अपनी वीडियोस, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर करता रहूंगा. मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए अगर आप मुझसे प्यार करते हैं. तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टिकटॉक बैन हो रहा है, तो हारा तो मैं पहले भी नहीं था जब मेरे 3 अकाउंट बंद हुए थे, हारा मैं अभी भी नहीं हूँ. तो मेरे 2 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. तो पहले अगर नहीं करा था फॉलो तो भाई को प्लीज आप फॉलो कर लो. मैं जो वीडियोस मैंने बना रखी है मैं उस पर डालूंगा और आपको वैसे ही हंसाऊंगा, ये नहीं तो वहीं सही. तो प्लीज पहले फॉलो नहीं किया था तो आप कर लो, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ अभी एक हाथ है तो हाथ जोड़ रहा हूँ और प्लीज कर लो. हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको कौन फॉलो रहा है कि टिकटॉक जाने से पहले सभी को 5 मिनट के लिए अपना क्रिएटर का टैग देगा, फिर स्क्रीनशॉट लेकर सभी का दिल का तसल्ली रहेगा. अगर ये बात सही नहीं है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए. सोन कुमार दिया है यूट्यूब पर प्लीज. जैसे कि आपको पता है कि टिकटॉक बैन होने वाला है, न्यूज आ चुकी है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. कुछ सोच समझ के स्टेप लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, जिसके साथ हम रहेंगे. एंड बाकी बुरा तो लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मतलब इतनी मेहनत के बाद इतना प्यार मिला यहाँ से. आई होप ये प्यार टेम्प्रेरी नहीं है. आप लोग अगर मुझे और देखना चाहते हो तो गो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट. हम वहाँ पे मिलेंगे, हम वहाँ पे बातें करेंगे, हम वहाँ पे पोस्ट शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे. एंड थैंक यू सो मच दिल से, थैंक यू सो मच सबको, एक एक बंदे को थैंक यू इतना प्यार करने के लिए. गाइस जैसा कि सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक बैन हो चुका है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. पता नहीं यार एप्लीकेशन कब तक है. क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? अरे अब हम मुजरा कहाँ करेंगे? कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा. सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये आज का कंटेंट पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और हाँ कमेंट्स जरूर कीजिए. और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू.